नहीं होता, ये गलत फहमी निकाल दो, बहुत चल रहे आजकल तावीजा। नारेला फोड़ने से टेंशन दूर। मैं एक साहब के पास गया, उनकी दुकान का ने ठहरा, बोला ये क्या है रे भाई, ऊपर ये ले रहा हरी पोटली दिख रही है, नारेल बोला ना अम्मा, बोला कई कुरे बाबा है नारेल, ये लगाए तो गिरा खाता मौलाना। मैं बोला हौले, जब गिराक नारियल से जाता तो एक कई को लगाया, छह लगा। बात समझ में आ रही? नारेला लगाने से गिराक, सब गलत फहमी है ये। लींबुआ काटने से गिराक, ऐसा अगर काटने से, लींबुआ काटने, नारेला काटने से कुछ होता तो मैं आज प्राइम मिनिस्टर बन जाता, क्योंकि मेरे को जितना पढ़ने आता शायद ही बहुत कम लोगों को आता होगा। नारेलों पे बोल रहा हूं जी, ये सब बेकार के धंधे हैं। अल्लाह वाले नारेला लींबुआ नहीं देते, अल्लाह वाले गुनाहगार का हाथ पकड़ के अल्लाह से मिला देते हैं। ये नारेल लींबू का वलियों से कोई ताल्लुक, ये नारेलों लींबियों का ताल्लुक आमिलों से ही है। आमिल अलग होता, वली अल्लाह अलग। आजकल तो नया ही चल रहा, टोकन लेके बैठना कहते भाई, अरे बाप रे बाप, बोला अम्मा ये भी नया बिजनेस है भाई, ये नया बिजनेस है ये। और वो टोकन 10-10 रुपए का ही है, मगर रोजाना 1000 आदमी आ रहे हैं, कितने हो गए 10,000। ओहो क्या इनकम है भाई।